यूनिट पांच सेहत आपकी जज्बाती या जहनी सेहत भी जिसमानी सेहत जितनी ही अहम है और इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है अगर आपको कोई जिसमानी आर्जा हो तो आप तबी इमदाद हासिल करते हैं इसी तरह अगर किसी जहनी मसले का सामना हो तो इस हवाले से मावनत का हसूल भी इंतहाई अहमियत का हामिल है ज़हनी सेहत का ताल्लुक रोज़मर ज़िंदगी के मामलों में आपके जज्बात सोच और रवैये से है इसका ताल्लुक़ इस अमर से भी है कि आप ज़हनी तनाव गु़स्से और दुख दर्द की सूरत हाल से कैसे निमटते हैं जहनी मसाइल का सामना किसी भी शख्स को हो सकता है जिनस उम्र सकाफत तालीम और आमदनी के लिहाज से हर तरह के अफरादनी मसाइल का शिकार हो सकते हैं कनाडा में हर साल पाँच में से एक शख्स जहनी सेहत के मसाइल से दो चार होता है आइए इन मसाइल पर एक नज़र डालें जो कनाडा में नए आने वाले लोगों को पेश आ सकते हैं और जिनसे उनकी जहनी सेहत मुतासर हो सकती है दुनिया के एक गैर महफूज मकाम अपने घर अजीज़ व अकारब और दोस्त अहबाब को छोड़ना रहने के लिए जगह तलाश करना नए दोस्त बनाना मुलाजमत का हसूल अपने ख़ानदान की किफालत एक नए माशरे में सुकूनत इख्तियार करना मौसम और आबो हवा से हम आहंग होना और नए स्कूल में तालीम का आगाज़ आपकी ज़हनी सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं अगर आपके जज्बा से आपके रोज़मर मामूल मुतासर हो रहे हैं तो मदद तलब करें किसी दूसरे से अपने मसाइल पर तबादले ख्याल करना अपनी मदद आपकी जानब पहला कदम है अगर आप या आपका कोई जानने वाला अक्सर अवत उदास या मायूस रहता है भूख महसूस नहीं करता बुरे ख्वाब आते हैं या पुरानी यादें सताती हैं बेख्वाबी का शिकार है बदहवास थका हुआ या गुस्से में रहता है परेशान या जहनी तनाव का शिकार है तनहा अलग तलग या माशरे से कटा हुआ है और खुद को नुकसान पहुँचाने या मौत और खुदकशी जैसे कैफियत से दो चार है तो फौरी मदद हासिल करें जहनी तनाव की सूरत हाल में भी ये बात याद रखना इंतहाई ज़रूरी है कि कैनेडा में घर वालों पर तशद करना गैरक़ानूनी है अपनी और दूसरों की मदद के लिए आप 211 पर रा करके या इंटरनेट के ज़रिए जहनी सेहत की खिदमत के बारे में मालूम हासिल कर सकते हैं मजीद मालूम के लिए अपने खानदानी मॉलिज नर्स या समाजी कारकुन से भी रजू कर सकते हैं जब कोई शख्स उदास या परेशान होता है तो कौन सा अमर मददगार साबित हो सकता है वो काम करना शुरू करें जिनसे आप पुरसकून या खुश होते हैं चंद मिसालें दर्ज झेल हैं दूसरों के साथ या उनके लिए खाना पकाएं लोगों की मदद करें अपने अजीज़ वकारब और दोस्त अहबाब से रबते में रहें घर से बाहर वक्त गुजारें सेहत बख्श गज़ा खाएँ इबादत में मसरूफ़ रहें खेलें या वर्जिश करें काबिल भरोसा लोगों से बातचीत करें जिंदगी के मबत पहलुओं पर तोज्जह मरकूज करें अपनी सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लें और अपने लिए वक्त निकाल कर उन सरगर्मियों में मशगूल रहें जिनसे आप महसूस होते हैं जैसा कि किसी किताब का मतलब या कोई तख्लीकी काम करना एक नए मुल्क में जिंदगी का आगाज मुश्किल हो सकता है और वहाँ की जिंदगी से हम आहंग होने में वक्त लगता है इस दौरान कई तरह के जज्बात कैफियत से दो चार होना मामूल की बात है